ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने अपने बजट में 3 तलाक महिलाओं के लिए 500 महीना पेंशन देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद देवबंद उलेमाओं की प्रतिक्रिया देखिए। रहमतुल्लाहि बरकातुहु। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को आज योगी सरकार के बजट में 500 रुपए महीना पेंशन का ऐलान किया गया है। मैं समझता हूं कि ये महिलाओं के लिए एक भद्दा मजाक है। क्या 500 रुपए महाना एक महिला के लिए काफी है? मैं समझता हूं कि ये तो एक भद्दा मजाक किया गया है। आज के इस महंगाई के दौर में 500 रुपए मैं समझता हूं कि 2 दिन के लिए भी बहुत कम है। मुझे लगता है कि योगी सरकार को अपने इस बजट में 500 की जगह 5000 रुपए महीना पेंशन का ऐलान करना चाहिए 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए। तभी हमें लगेगा कि हाँ, ये सरकार पीड़ित महिलाओं के मामले को लेकर संजीदा है और उसकी हमदर्द है। नहीं तो ये साफ जाहिर होता है। क्या 500 रुपए महीना? सुनकर भी बड़ा अजीब और हंसी महसूस होती है। सरकार को अपने ये बजट का जो उसमें ऐलान किया है, इसको ये फैसला वापस लेकर 500 की जगह महिलाओं को 5000 रुपए महाना देने का ऐलान करना चाहिए। सलाम अलैकुम। बेवा और तलाकशुदा खवातीन के लिए 500 रुपए महाना वजीफा यूपी सरकार ने मंजूर किया है। सवाल ये उठता है कि 500 रुपए में एक महीना क्या किसी खातून का गुजारा हो सकता है? हमें ऐसा लगता है कि एक वक्त का खाना 500 रुपए में खाया जाता है तो पूरे 60 वक्त का या पूरे एक महीने का गुजारा 500 रुपए में आज के दौर में बजट में मंजूर किया जाए, ये काबिल हैरत है। दूसरी बात ये कही गई है कि तलाकशुदा औरत के लिए भी 500 रुपए। इस पर सवाल ये उठता है कि जब हुकूमत हिंद ने कानून के ज़रिया ये कहा कि तलाक पड़ती ही नहीं, तो फिर तलाकशुदा औरत कहाँ से आएगी इस हिंदुस्तान में? ज़रा इन चीज़ों को पास करने से पहले कवानीन पर निगाह डाल लेनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यूपी और मुल्क तरक्की करता रहे।